आकाशवाणी रीवा सहित प्रदेश भर के आकाशवाणी केंद्र से बोली के कार्यक्रम खत्म करने एवं प्रसारण के नियमों में बदलाव को लेकर आज रीवा आकाशवाणी केंद्र के कलाकारों एवं साहित्यकारों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद पार्क में प्रदर्शन कर रहे कलाकारों ने सरकार पर एक साजिश के तहत बोलियों को खत्म करने का आरोप लगाया। कलाकारों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से बघेली सहित सभी बोलियों के कार्यक्रमों को बंद किया जा रहा है, साथ ही आकाशवाणी केंद्र के सभी कार्यक्रम भोपाल से प्रसारित किए जाएंगे, जिसको लेकर भी स्थानीय कलाकारों में रोष है। बताया जा रहा है कि आकाशवाणी रीवा को सप्ताह में एक दिन का समय अलॉट किया जाएगा, जिसमें भी केवल हिंदी के कार्यक्रम ही चलेंगे। ऐसे में आकाशवाणी रीवा केंद्र से जुड़े लगभग 100 कलाकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। कुछ चल रहा है, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तमाम कलाकार, क्या विरोध है और क्या मांगे हैं सर? विरोध यह है कि आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना बोली के विकास के लिए हुई थी। बोली के विकास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की लोक कलाएँ, वहाँ की परंपराओं को लेकर के स्थापना क्षेत्र में हर अंचल में की गई थी। इसी तरह से रीवा, छतरपुर, भोपाल, इंदौर, ये सारे केंद्र बने थे बोली के विकास के लिए, और अधिकतम कार्यक्रम बोली के विकास के पर केंद्रित थे। वो सब के सब अब खत्म किए जा रहे हैं और उनकी जगह पर उन्हीं वही बघेली का कार्यक्रम खड़ी बोली में किया जाएगा। तो खड़ी बोली का कार बघेली में खड़ी बोली तक को कोई मतलब नहीं रह गया। और खड़ी बोली मूलतः जब हम देखें तो खड़ी बोली अपने आप में कुछ नहीं है। यदि बोलियां खड़ी बोली से अलग कर दी जाएं तो खड़ी बोली एकदम छूछ है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है। सारी संस्कृत, आप रामचरितमानस को उठा कर देखिए, रामचरितमानस खड़ी बोली में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, हिंदी का पहला नाटक हिंदी में लिखा गया है, वो इसमें ब्रजभाषा में लिखा गया। तो बोलियों में लिखा गया साहित्य हिंदी की पहचान बना, और अब हिंदी बोलियों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो रही है। प्रसार भारती का हिंदी जो केंद्र है वो बोलियों को ख़त्म करने की योजना बना रहा है। तो हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बोली ही मूलतः खड़ी बोली है, बोली की संस्कृति ही खड़ी बोली का निर्माण करती है। इससे हम यदि निकाल लें, बोलियों को निकाल लें खड़ी बोली से, तो हमारे हिंदी के पास कुछ नहीं है। तो ऐसी बोली को ख़त्म करना पूरे प्रदेश स्तर पर, ये बहुत गलत परंपरा शुरू हो रही है। धीरे धीरे आकाशवाणी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे यह है कि बोलियां उसी तरह से चलती रहें, प्रसारण उसी तरह से होता रहा जैसे पहले होता रहा है। आकाशवाणी रीवा से जितने भी बघेली के कार्यक्रम चल रहे थे वो समाप्त कर दिए गए हैं, और मात्र महीने में 4 कार्यक्रम आकाशवाणी में लोक कलाकारों को और बघेली बोलियों के लिए दिए गए हैं, वो भी हिंदी में प्रसारित होंगे। आज अगर बघेली के कार्यक्रम नहीं होंगे तो ना बघेली की कहानियाँ आएंगी, ना लोकगीत आएंगी, और ना ही लोक कथाएँ आएंगी। यानी पूरी तरीके से बघेली के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आकाशवाणी कहती है कि हमारा नया प्रयोग है, और ये कौन सा प्रयोग है जिसके लिए आकाशवाणी ही थी, उसके कार्यक्रम ख़त्म कर दिए जाएँ? तो ये प्रयोग मेरे लिए, मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं हम आकाशवाणी से 100 कलाकार जुड़े थे, चाहे वो लोकगीत कलाकार हों, चाहे वो लोक गायक हों, चाहे वो कहानीकार हों, और चाहे कंपियर हों। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आकाशवाणी की जो प्रोग्राम जो पहले चल रहे थे वो यथावत रखे जाएँ, और जो बघेली या कहें कि किसी भी बोलियों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें पुनः उसी तरह से प्रसारित करें, और तमाम जितने भी हमारे रंभस, हमारे धरती के गीत, घर आंगन और चौपाल कार्यक्रम हैं वो फिर से लोगों को उसी तरह से सुनाई दें। हमारा ऑडिशन बघेली के लिए हुआ है, हम आज तक बघेली बोलते रहे, तो मात्र महीने में एक दिन हिंदी बोलने नहीं आएंगे। इसलिए हम सभी कलाकार यहाँ एकत्र हैं, आकाशवाणी के भी हैं और आकाशवाणी से जुड़े हुए तमाम सभी कहानीकार भी हैं और लोक कलाकार हैं। हम सब की ये मांग है कि आकाशवाणी के कार्यक्रम को फिर से उसी तरह रखा जाए।